नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं रिव्यू कर रही हूँ, ये शेड नंबर है 20M और शेड नेम है कैरेमल मार्गरेटा और ये नायका सो मैट कलेक्शन की लिपस्टिक है। अगर आपको ब्राउन लिपस्टिक्स पसंद है वो भी पीच अंडरटोन में तो ये शेड आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको क्रीमी लिपस्टिक्स पसंद है, क्योंकि ये वाली जो रेंज है नायका सो मैट ये क्रीमी लिपस्टिक की रेंज है, मतलब प्रॉपर मैट नहीं है ये, तो आपके लिप्स को मॉइस्चराइज अच्छे से करके रखेगी। और मैं आपको इसमें शेड दिखा देती हूँ। ये देखिए पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, इसकी आउटर पैकेजिंग है और ये इसकी इनर पैकेजिंग है। और मैंने जो मंगाया है ये इसका मिनी वर्जन है। अगर आपको इसमें बड़ा वाला साइज़ चाहिए तो बड़ा वाला साइज़ आप ले सकते हो, वो आपको 350 के अराउंड मिल जाएगा। और इसका प्राइस जो है वो है 200, और 200 में आपको 1.5 ग्राम लिपस्टिक मिल जाती हैं। और शेड की बात करें तो शेड आपको बहुत पसंद आएगा, इस तरह की बुलेट है इसकी। हैंड स्वाच मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा ही आप इसको खोलें, ज़्यादा ना खोलें। ये है इसका शेड, बहुत ही प्यारा बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है। एक्चुअली मैं इसी शेड को लेना चाहती थी जिसमें पीच अंडरटोन हो, कि मुझे इसी टाइप के शेड्स पसंद है जो ब्राउन हो लेकिन पीच अंडरटोन में हो, थोड़े वार्मर अंडरटोन हो, तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इसको अपने लिप्स पे अप्लाई करके दिखाऊंगी कि लिप्स पे लगने के बाद कैसा लगता है। हैंड स्वाच करने में और लिप्स स्वाच करने में दोनों में डिफरेंस काफी आ जाता है, क्योंकि हैंड स्वाच में जो कलर आपको दिख रहा है एक्चुअल कलर आपको पता चलेगा जब मैं अपने लिप्स पे आपको लगा के दिखाऊंगी। कभी भी ना पूरी बुलेट निकाल के आप लिपस्टिक अप्लाई मत करो, हमेशा थोड़ी ही निकालो क्योंकि इससे बुलेट ब्रेक हो जाती है। कि पीची ब्राउन शेड है ये, और अगर आप मेरे स्किन टोन के हैं, आई एम NC40 मैक का शेड है ये, और अगर आप NC42 भी हैं या NC44 भी हैं तो भी ये शेड आप पर बहुत सुंदर लगेगा। जितना ज़्यादा डस्की स्किन कॉम्प्लेक्शन पे आप लगाएंगे उतना ज़्यादा ये न्यूड फॉर्म में आ जाएगा, उतना ज़्यादा अच्छा एक न्यूड ब्राउन न्यूड कलर लगेगा। और जितना ज़्यादा फेयर स्किन टोन के लगाएंगे तो उतना ज़्यादा ये डार्क ब्राउन कलर लगेगा। तो मैं हूँ मीडियम स्किन टोन की, तो इस वजह से मेरे ऊपर कुछ ये शेड इस तरह का लग रहा है। मोमोज खाने के बाद ये हालत है, और मैंने बहुत बुरी तरह से मोमोज खाए हैं। आप इतने बुरी तरह से चीज़ें खाओगे तो ऑब्वियसली लिपस्टिक तो इतनी ही जाएगी जाएगी, अदरवाइज़ फिर भी ये 4 से 5 घंटे चल जाएगी। और अगर निकल भी जाए तो टचअप करने में कोई बुरी बात नहीं। मुझे कूल टोन ब्राउन कलर नहीं अच्छे लगते, मुझे थोड़ा सा वार्मर ब्राउन कलर अच्छे लगते हैं, जो पीच अंडरटोन में होते हैं ना वो कलर्स मुझे ज़्यादा पसंद है। अब जैसे ये वाला है, ये बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, ये मीडियम टोन जैसा शेड है जो मुझे काफ़ी पसंद आया, और मैं ऐसा ही एक ब्राउन कलर चाह रही थी, इसलिए मैंने एक छोटा वाला साइज़ मंगा के देखा कि अगर अच्छा हुआ तो मैं इसका बड़ा साइज़ भी मंगा लूँगी। और तो अब इसका बड़ा साइज़ मैं डेफिनेटली मंगाऊँगी जब ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको डार्क ब्राउन शेड चाहिए, कॉफ़ी ब्राउन शेड चाहिए तो भी आपको नायका सो मैट कलेक्शन में आपको मिल जाएगा। इसके फॉर्मूला की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा मैट नहीं है और बहुत ज़्यादा क्रीमी भी नहीं है, मतलब ये समवेयर इन बिटवीन है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने ग्लॉसी ग्लॉसी सी लिपस्टिक लगा ली, थोड़ा सा हल्का सा मैट फिनिश आपको इसमें लगेगा। 15-20 मिनट बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएगी आपके लिप्स पे, थोड़ी सी और मैट फिनिश आपको देगी, लेकिन प्रॉपर मैट फिनिश आपको नहीं देगी। आपको इसको प्रॉपर मैट बनाना है तो आप लूज पाउडर लगा के आप डैब डैब करके आप टिश्यू पेपर से इस तरह से आप इसको प्रॉपर मैट बना सकते हैं, तो ये और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग। अगर स्टेइंग पावर की बात करूँ तो आपको पता ही है क्रीमी लिपस्टिक ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करती है, मुश्किल से 4 घंटे 5 घंटे। और अगर आपको और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनानी है तो आप पाउडर से और टिश्यू से आप इसको और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो। शेड मैंने आपको दिखा दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।